बेटमा नगर के 11 वर्षीय बालक चैत्य कुमार मोदी और 12 वर्षीय बालक प्रखर मोदी द्वारा पूज्य गणिवर्य आनंद चंद्र सागर आदि थाना की निश्रा में हिंकारगिरी जैन तीर्थ पर उपधान तप किया गया। दोनों बालकों ने उपधान तप की, कठिन तपस्या करते हुए 47 दिनों तक साधु के समान जीवन व्यतीत किया है। बेटमा आगमन पर दोनों बालकों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। मंगलवार को इन दोनों बालकों सहित 55 अन्य तपस्वियों का इंदौर में भव्य वरघोड़ा निकला। बुधवार को समारोह के दौरान दोनों तपस्वियों को मोक्ष माला पहनाई गई। जानकारी अनुसार हिंकारगिरी जैन तीर्थ पर हुए उपधान तप की पूर्णाहुति समारोह के तहत मोक्ष माला महोत्सव चल रहा है। महोत्सव के तहत मंगलवार को गाजे बाजे रथ व पालकी आदि के साथ तपस्वियों का जैन श्वेतांबर महावीर स्वामी जिनालय कालानी नगर इंदौर से हिंकारगिरी जैन तीर्थ एयरपोर्ट रोड तक भव्य वरघोड़ा निकाला गया। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज हमारे दोनों बच्चे मोदी परिवार की आन बान शान, जिनने मोदी परिवार का बहुत नाम करा, एक उद्यान तप जो कि पूरा कंप्लीट करके आए हैं, एक उद्यान तप जिसमें एक साधु जीवन जीना, एक साधु समान जीना, हर चीज़ का त्याग करना, बिस्तर का त्याग करना, मोबाइल का त्याग करना, उसके बाद जितनी भी खेल कूद सब चीज़ का त्याग करके इस उम्र में इन्होंने इस कठिन तपस्या जो कम्प्लीट करी है, मतलब इन्होंने अपने मोदी परिवार का नाम करा है, इसके लिए मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभारी, और इन दोनों के लिए जितनी अनुबोधना हो उतनी बढ़िया अनुबोधना मेरे लिए। ये उपाय मैंने एक तप करा है जिसका नाम है उपध्यान तप, और इसमें उपास करने रहते एक दिन छोड़ के एक दिन उपास करने पड़ते हैं, और जो मतलब जो लास्ट के 10 दिन बचते उसमें 2 उपास आते हैं और 8 आयम भी लाते हैं। 50 दिन का ये पूरा तप होता है। ये कोई तीर्थ स्थान पे करते हैं, कौन से भी तीर्थ स्थान पर। इसमें त्याग तो वस्त्रों का त्याग करते हैं और चप्पल का त्याग करते हैं, और कुल मिला के एक तरह का साधु जीवन होते हैं। वाहनों का त्याग करते हैं और फ़ोन मोबाइल वगैरह का सबका त्याग करते हैं, और स्त्री से टच भी नहीं हो सकते हैं। कैसे कंट्रोल किया? वो देवगुरु की प्रेरणा ली है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल करा। मेरा नाम प्रखर मोदी। जय जिनेंद्र। मैंने 50 दिन तक उपवास की आराधना की है, और इसका महत्व बहुत है। इससे मोक्ष माल ग्रहण होती है, जो बहुत ही श्रावक जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसे हर श्रावक को ग्रहण करना चाहिए। ये संत द्वारा जो आचार्य भगवान रहते हैं, वो उनकी निश्रा में हम ये तप करते हैं जिसका नाम उपधान है, और उनकी निश्रा में ये हो सकता है संत भगवान की। इसमें हमको पोषद में रहना पड़ता है, नहीं साधु जीवन जैसे नहीं फ़ोन का उपयोग, नहीं गाड़ी पे सोना, टीवी का उपयोग, किसी का चप्पल जूता सब त्याग करना पड़ता है, और दिन भर वस्त्रों का मतलब सिर्फ धोती और दुपट्टा डालना पड़ता है। आपका नाम? चैत्य मोदी, बेटमा, जिला इंदौर से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।